हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम लोग करने वाले हैं ईसीएल के कुछ और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स का रिवीजन। ईसीएल में ए कैटेगरी जो है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसमें से मैं 6 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। आज के इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक्स और कवर करूंगा। ये ईसीएल फास्ट ट्रैक रिविजन का लास्ट वीडियो है और इसमें हम लोग 3 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर है। हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन एक्ट एंड आईडीआरए एक्ट 1951 को, राइट। तो ये 3 चैप्टर्स आज हम कवर करने वाले हैं। 6 चैप्टर्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना और पूरी वीडियो ध्यान से देखना। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ मैनेजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो मैनेजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है मैनेजमेंट ऑफ आईटी, मैनेजमेंट ऑफ आईपीआर से, मैनेजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, वो गैट और डब्ल्यूटीओ के डिफरेंस के ऊपर आ सकता है। गैट एंड गैट्स दोनों में क्या डिफरेंट डिफरेंस है, उस डिफरेंस के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो गैट एंड डब्ल्यूटीओ का डिफरेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस डिफरेंस को जरूर देख लेना। मैनेजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो चैप्टर है, उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको गैट, डब्ल्यूटीओ, विपो एंड ट्रिप्स, इनके बारे में पढ़ना है। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड कब आया था, 1948 में, एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब आई, 1995 में आया। क्या डिफरेंस था गैट में एंड डब्ल्यूटीओ में। तो गैट बेसिकली आईपीआर को कवर नहीं करता था और डब्ल्यूटीओ ने आईपीआर को उसके अंदर कवर करना स्टार्ट कर दिया। गैट और डब्ल्यूटीओ का और क्या डिफरेंस है, तो ये देखिए आपके सामने है। गैट का पर्पस क्या था, गैट का पर्पस था टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल ट्रेड। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको गैट के बारे में बता देता हूं कि गैट का इंडिया भी मेंबर था। गैट अब एग्जिस्टेंस में नहीं है पूरी तरीके से, सिर्फ एक एग्रीमेंट की फॉर्म में एग्जिस्टेंस में है। गैट की फुल फॉर्म आपके सामने है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, एंड डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर गैट्स आता है, जिसके अंदर गैट्स आता है। तो गैट का पर्पस क्या था, टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल ट्रेड, और डब्ल्यूटीओ का पर्पस क्या हुआ, टू गवर्न गैट एंड इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस। गैट का एरिया क्या था, ट्रेड इन गुड्स, और डब्ल्यूटीओ ने किस पे फोकस किया, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट गैट एंड डब्ल्यूटीओ एंड ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखो गैट में ना मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट था, लेकिन डब्ल्यूटीओ ने उस कॉन्सेप्ट को रिमूव किया। आई एम वेरी श्योर आपने पढ़ लिए होंगे ये सारे कॉन्सेप्ट्स, आपने अब तक गैट को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, तो एक क्विक रिविजन में आपको दे रहा हूं। गैट में डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व्ड फास्टर एज सेटलमेंट सिस्टम हैज सिलेक्टेड टाइम फ्रेम, ऐसा डब्ल्यूटीओ ने किया, ऐसा गैट ने नहीं किया था। कुछ और डिफरेंस मैं आपको बताता हूं बिटवीन गैट एंड डब्ल्यूटीओ। देखो डब्ल्यूटीओ कब आया, 1995, गैट कब आया, 1st of January 1948। गैट इज ए प्री डिसीजर ऑफ डब्ल्यूटीओ एंड डब्ल्यूटीओ इज ए सक्सेसर ऑफ गैट। गैट एक एग्रीमेंट था एंड देर वॉज नो इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन, एंड डब्ल्यूटीओ इट्स ए परमानेंट इंस्टीट्यूशन विथ इट्स ओन सेक्रेटेरिएट। और डिफरेंस क्या है, ये देखो आपके सामने और डिफरेंस है गैट एंड डब्ल्यूटीओ के। गैट्स जो कि डब्ल्यूटीओ का ही पार्ट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, गैट एडॉक नेचर का था, गैट्स जो है वो परमानेंट एग्रीमेंट एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है, उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको ये सारे प्रोविजंस क्लियर कर लेता हूं कि जब भी मैनेजमेंट ऑफ आईपीआर हम पढ़ते हैं तो ये 3 टर्म्स आती हैं, गैट, गैट्स, डब्ल्यूटीओ। इसके अलावा ट्रिप्स और विपो भी आता है, ट्रिप्स विपो की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये जान लें कि शुरुआत किससे हुई थी, शुरुआत गैट से हुई थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो अब भी एग्जिस्टेंस में है। 23 कंट्रीज ने स्टार्ट किया था, इंडिया भी उसका मेंबर था जब इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद डेवलपमेंट हुआ गैट्स का, जो कि डब्ल्यूटीओ का पार्ट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गैट में कोई प्रोविजन नहीं था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, डब्ल्यूटीओ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोविजन आया।
गेट प्री डिसीजर है किसका? डब्ल्यूटीओ का. इट केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन 1st of January 1948 एंड डब्ल्यूटीओ इज सक्सेसर ऑफ गैट. डब्ल्यूटीओ एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है जबकि गैट एक एग्रीमेंट था. डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात करें तो इसमें ज्यादा अच्छा है, डब्ल्यूटीओ में ज्यादा बेटर है. जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, परमानेंट एग्रीमेंट एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ. तो अब अगर मैं बात करूं तो डब्ल्यूटीओ का जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, डब्ल्यूटीओ स्टैंड फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो डब्ल्यूटीओ कवर करता है गैट को, गेट्स को एंड ट्रिप्स को. ट्रिप्स पढ़ा होगा, आई एम वेरी श्योर आपने ट्रिप्स. और फोर्थ आता है विपो. तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन जरूर आ सकता है. गैट की कमियां थी जिसकी वजह से गेट्स को बनाना पड़ा, डब्ल्यूटीओ बनाना पड़ा. सो गेट्स इज ए पार्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ. गेट अभी भी एग्जिस्टेंस में है बट वो अपने पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस में नहीं है. एग्रीमेंट की फॉर्म में वो अब भी एग्जिस्टेंस में है. जस्ट बिकॉज ऑफ गेट गेट्स डेवलप हुआ, राइट? तो हमने इसकी बात करी, ये एक डिफरेंस है, आ सकता है. और इस डिफरेंस के अलावा जो मैंने आपको बता दिया, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है मैनेजमेंट ऑफ आईपीआर से. तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि गैट और डब्ल्यूटीओ में क्या डिफरेंस है. तो डब्ल्यूटीओ एट प्रेजेंट कवर करता है गैट को, गेट्स को एंड ट्रिप्स को, और साथ ही साथ विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम कॉपीराइट के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं. तो जब भी हम कॉपीराइट की बात करते हैं तो विपो के बारे में जरूर पढ़ते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जरूर रिवाइज कर लेना. अब मैं पेटेंट की बात कर रहा हूं और पेटेंट के साथ ही मैं आपको एक डिफरेंस बताने वाला हूं. पेटेंट के साथ ही मैं आपको एक डिफरेंस बताने वाला हूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है. तो आपको मैं ये प्रोविजन क्लियर कर देता हूं और ये पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर करना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है. तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो कि पेटेंट को कवर करती है, इंडस्ट्रियल डिजाइन को कवर करता है. इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कॉपीराइट को कवर नहीं करता था. तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का एरिया नैरो था. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कवर करता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को एज वेल एज कॉपीराइट को. तो जब भी हम ये टर्म देखते हैं ना, जब भी हम ये टर्म देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम पेटेंट को भी इंक्लूड करते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन को भी इंक्लूड करते हैं, ट्रेडमार्क को भी इंक्लूड करते हैं एंड कॉपीराइट को भी इंक्लूड करते हैं. लेकिन ओरिजिनली ना, जब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वर्ड अराइज हुआ था, जब ये वर्ड सामने आया था, तब उसमें कॉपीराइट नहीं था और बाद में उसे कॉपीराइट को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ इंक्लूड किया गया. सो डिफरेंस समझ में आया आपको कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का जो एरिया है वो नैरो, वो कंपेरेटिवली नैरो है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एरिया ज्यादा वाइड है. इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो है वो किसको कवर नहीं करता, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कॉपीराइट को कवर नहीं करता था, बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कवर करता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एज वेल एज कॉपीराइट. तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है. आगे मैं बात करता हूं और टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेता हूं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन चीजों का डिफरेंस ही पता नहीं होता. एग्जाम भी देकर आ जाते हैं, एग्जाम भी पास कर लेते हैं, बट स्टिल दे डोंट नो द डिफरेंस कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये एक दूसरे से किस तरीके से अलग है, किस तरीके से डिफरेंट है. तो अब इस चार्ट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन सब में क्या डिफरेंस है. डिजाइन किस तरीके से अलग है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किस तरीके से अलग है. तो पेटेंट का एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ये पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सबके एरियाज अलग अलग हैं. पेटेंट अलग चीजों के लिए मिलता है, कॉपीराइट डिफरेंट चीजों के लिए मिलता है, और ट्रेडमार्क किस पे मिलता है. ट्रेडमार्क तो किसी सिंबल पे, किसी लोगो पे, किसी टैगलाइन पे, उस पे ट्रेडमार्क मिलता है. तीनों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग अलग होता है, तीनों अलग अलग चीजों पे मिलते हैं, तीनों की ड्यूरेशन डिफरेंट होती है, लेकिन तीनों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ही पार्ट है. एग्जाम्पल देखिए आप, सबसे पहले पेटेंट का एग्जाम्पल दिखाता हूं. आईपॉड,
आईपॉड इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेटेंट। आगे मैं बात करूं तो मोबीक्विक ने भी पेटेंट के लिए फाइल किया था, उसके अलावा फ्रीचार्ज ने भी पेटेंट के लिए फाइल किया था, एरिक्सन के पास जीएसएम का पेटेंट है, जीएसएम टेक्नोलॉजी जो अपने फोन में यूज करते हो वो पेटेंट का एग्जाम्पल है, पेटेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटिंग होता है। आगे मैं बात करूं नोवर्टिस के पास अलग अलग मेडिसिन का पेटेंट है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास मेडिसिन का, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का पेटेंट होता है। बजाज के पास, ये बहुत एक फेमस केस है, आई एम वेरी श्योर आपने ये केस शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर तो मैं नहीं हूं, बट मैं शायद ऐसा मान सकता हूं कि आपने शायद इस केस के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, क्योंकि मैं हमेशा अपनी क्लासेस में इस केस का जिक्र जरूर करता हूं। बजाज के पास डीटीएसआई टेक्नोलॉजी का पल्सर जो बाइक है उसमें जो टेक्नोलॉजी है उसका पेटेंट था, और उसके लिए बजाज ने टीवीएस पे केस फाइल किया था। ये केस आपको अपनी बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है इसमें, तब मुझे इन केसेस के बारे में पता है। तो आपको ये केसेस ना आईसीएसआई के मॉड्यूल में, आईसीएसआई के मॉड्यूल में नहीं मिलेंगे, ये जो डिफरेंसेस की मैंने बात करी ये भी आपको मॉड्यूल में या स्कैनर में नहीं मिलेंगे, तो आप इन डिफरेंसेस को याद रखिएगा। तो केस ये था कि बजाज ने केस फाइल किया था अगेंस्ट टीवीएस, क्योंकि टीवीएस ने भी एक बाइक लॉन्च की थी फ्लेम, जिसमें कि टीवीएस ने बजाज की डीटीएसआई टेक्नोलॉजी को यूज किया था, ऐसा बजाज का एलिगेशन था। और उसके बाद बजाज को इनिशियली हाई कोर्ट से टीवीएस की बाइक की सेल के अगेंस्ट में इंजंक्शन मिल गया था कि टीवीएस जो है वो बाइक सेल नहीं कर सकता, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने टीवीएस को अलाउ कर दिया था कि टीवीएस अपनी फ्लेम जो बाइक है वो सेल कर सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। आगे मैं बात करूं कि पेटेंट का क्या मीनिंग होता है, तो पेटेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, पेटेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द इन्वेंटर, इन्वेंटर एंड दी सोसाइटी, कि उसके प्रोडक्ट को और कोई उसकी परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकता। तो ये तो एक पेटेंट का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। आगे नॉन पेटेंटेबल आइटम, राइट, नॉन पेटेंटेबल आइटम, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है और बहुत ज्यादा मुझे पॉसिबिलिटी लगती है कि इसके ऊपर से क्वेश्चन आएगा कि नॉन पेटेंटेबल आइटम क्या होते हैं। तो मैं अगर बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसको, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए पहला एग्जाम्पल, कौन कौन सी चीजों के ऊपर पेटेंट नहीं मिलता। फर्स्ट एग्जाम्पल आया इन्वेंशंस रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी, नॉट पेटेंटेबल। दूसरा एग्जाम्पल आया ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर पेटेंट नहीं मिलता। थर्ड एग्जाम्पल आया टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके ऊपर भी पेटेंट नहीं मिलता। ए प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर भी पेटेंट नहीं मिलेगा। देन प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन स्पोकन वर्ड्स सिंबल्स डायग्राम, इनके ऊपर पेटेंट नहीं मिलता। ओके, याद करने की कोशिश करते हैं इसको, तो याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो आगे अब बात करते हैं। ओके, एमेयर स्कीम और रूल, राइट, यहां स्पेलिंग को मैं ठीक कर देता हूं। नॉन पेटेंटेबल आइटम्स में एमेयर स्कीम और रूल और मेथड ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट और मेथड ऑफ प्लेइंग गेम, एमेयर स्कीम और रूल और मेथड ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट और मेथड ऑफ प्लेइंग गेम। सो फॉर एग्जाम्पल, मेथड फॉर सॉल्विंग ए क्रॉसवर्ड पजल, मेथड ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज, लिटरेरी ड्रामेटिक वर्क, इनके ऊपर भी पेटेंट नहीं मिलता। मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड, ए मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एंड मेथड टू क्योर एनी डिजीज, ये 9 पॉइंट्स हैं, ये 9 पॉइंट्स हैं जो हमें लिखकर आने हैं अगर नॉन पेटेंटेबल आइटम के ऊपर क्वेश्चन आता है। मुझे लगता है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है और अब भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले मैंने बता दिया इन्वेंशन लीडिंग टू एटॉमिक एनर्जी, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर पेटेंट नहीं मिलता, याद कर लो फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था यहाँ पे इन्वेंशन रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी नॉट पेटेंटेबल, तो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर पेटेंट नहीं मिलता। फिर मैं बात करता हूं, देखो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के ऊपर पेटेंट नहीं मिलता, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के ऊपर पेटेंट नहीं मिलता। अगर क्लोन बनाने की कोई, क्लोन के ऊपर कभी भी पेटेंट नहीं मिलेगा, ये भी मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं कि अगर कोई ह्यूमन क्लोन या किसी भी तरीके का क्लोन बनाया जाएगा उसके ऊपर पेटेंट नहीं मिलता। आगे मैं बात करूं, एग्रीकल्चर की हमने बात करी, आपको याद करने में आसानी हो इसलिए मैं ये एग्जाम्पल्स यूज कर रहा हूं। तो देखिए एटॉमिक एनर्जी के ऊपर पेटेंट नहीं मिलता, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के ऊपर पेटेंट नहीं मिलता। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो
ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर पेटेंट नहीं मिलता। तो नीम, टर्मरिक, राइट, नीम है, टर्मरिक है, इनको अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल किया आता है। बहुत सारी डिजीजेस को क्योर करने के लिए भी नीम का इस्तेमाल करते हैं, टर्मरिक को यूज करते हैं, इनके ऊपर पेटेंट नहीं मिलता। और अगर इनका कोई नया यूज भी डिस्कवर कर लिया, नया यूज डिस्कवर कर लिया, तो भी उसके ऊपर पेटेंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, एक मैंने पॉइंट बताया था आपको, मेथड टू क्योर एनी डिजीज, मेथड टू क्योर एनी डिजीज के ऊपर भी पेटेंट नहीं मिलता, राइट। इसके आगे मैं बात करूं तो याद रखना, कभी भी ड्रामा, ड्रामा के ऊपर पेटेंट नहीं मिलता, ये भी नॉन पेटेंटेबल आइटम में आता है। क्यों नहीं मिलता? इसके ऊपर कॉपीराइट मिलता है। लिटरेरी वर्क एंड ड्रामेटिक वर्क, उसके ऊपर कॉपीराइट मिलता है। फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया, मेथड टू क्योर एनी डिजीज, उसके ऊपर भी पेटेंट नहीं मिलेगा। नीम का एग्जाम्पल मैंने दिया, ट्रेडिशनल नॉलेज है, टर्मरिक ट्रेडिशनल नॉलेज है, इनके ऊपर भी पेटेंट नहीं मिलता। उसके अलावा अगर कोई नया यूज डिस्कवर कर लिया किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो उसके ऊपर भी पेटेंट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्रिन को ना यूज किया था हार्ट पेशेंट्स के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए डिस्प्रिन का यूज किया था है, वो भी पेटेंट में कवर नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे इन्वेंशन जो कि मोरालिटी के अगेंस्ट हो, ऐसे इन्वेंशन जो मोरालिटी के अगेंस्ट हो, उन पे भी पेटेंट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, गैम्बलिंग मशीन, राइट, अगर गैम्बलिंग पर्पस के लिए कोई मशीन बनाई है, उसके ऊपर भी पेटेंट नहीं मिलता। या फिर दो चीजों को मिक्स करके कोई नई चीज बना दी है, एग्जाम्पल है ए अम्ब्रेला विथ ए टॉर्च, तो यहां पे ना दो चीजों को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट आपने बना दिया, उसके ऊपर ही पेटेंट नहीं मिलता। फिर हमने बताया कि प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि न्यूज एंकर कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करती है, उसके ऊपर भी पेटेंट नहीं मिलता। वो प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का जो स्टाइल है वो नॉन पेटेंटेबल होता है। इसके अलावा टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके ऊपर भी पेटेंट नहीं मिलता। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को याद रखना। और इसके अलावा ये 9 पॉइंट्स हैं, इन 9 पॉइंट्स को मत भूलना। इन्वेंशन रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी नॉन पेटेंटेबल, ट्रेडिशनल नॉलेज एग्जाम्पल टर्मरिक, टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट उसके ऊपर भी नहीं मिलता, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर भी नहीं मिलता। उसके बाद मैंने आपको बता दिया ए मेथड ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट और मेथड ऑफ प्लेइंग गेम, क्रॉसवर्ड पजल या मेथड ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज, लिटरेरी ड्रामेटिक वर्क के ऊपर नहीं मिलता क्योंकि वो कॉपीराइट में कवर होता है, मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड के ऊपर भी पेटेंट नहीं मिलता। मैथमेटिक और बिजनेस मेथड के ऊपर भी पेटेंट नहीं मिलता। इसका भी एक एग्जाम्पल मैं यहाँ कोट कर देता हूँ। इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर कोई फेमस शेफ है और उसने एक प्रोग्राम करवाया, एक सेमिनार करवाई है, और सेमिनार के अंदर बहुत सारी लेडीज आ गई हैं, और वो शेफ अलग अलग रेसिपीज का डेमो दे रहा है, वो बनाना सिखा रहा है कि अलग अलग रेसिपीज कैसे प्रिपेयर हो सकती है, डिशेस कैसे बन सकती है, और 2 घंटे की सेमिनार के बाद में वो ये बोल रहा है कि अगर आपको ये सारी रेसिपीज जाननी है तो यू कैन बाय माय बुक, तो अपने बुक की मार्केटिंग कर रहा है। नाउ दिस इज ए बिजनेस मेथड, ये पूरी तरीके से एक बिजनेस मेथड है कि पहले आपने एक फ्री सेमिनार ऑर्गेनाइज करी, उस फ्री सेमिनार में आपने अपने प्रोडक्ट का डेमो दिया, कुछ चीजें बताई, और उसके बाद में प्रमोट किया कि वो आपके बुक परचेज करें। ये एक बिजनेस मेथड है, इसका भी पेटेंट नहीं मिल सकता। अगला है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, इनका पेटेंट नहीं मिलता, मेथड टू क्योर एनी डिजीज। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इन एग्जाम्पल्स को याद रखना, भूलना मत। एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन एग्जाम्पल्स के बारे में पता ही नहीं होता कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसलिए मैंने बाकायदा एग्जाम्पल्स दिखाए हैं और कोशिश करी है कि आप एग्जाम में एटलीस्ट इन एग्जाम्पल्स को रिटेन कर सको और एग्जाम में लिख कर आ सको। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। नाउ अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट। तो उसमें ये क्वेश्चन हो सकता है कि पेटेंट की एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है। तो पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, ये फर्स्ट पॉइंट आया। दूसरा आया असाइनी, थर्ड आया लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिसीज्ड पर्सन एंटाइटल्ड टू मेक सच एन एप्लीकेशन, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन क्या होता है? जैसे ही आपने पेटेंट का आइडिया कंसीव कर लिया है, वैसे ही
जो इन्वेंटर है वो पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और उसका एडवांटेज ये आपके सामने है इज दैट इट कैन बी फाइल्ड एज सून एज द पेटेंट इज कंसीव्ड एंड फॉर द रिकॉर्ड ऑफ प्रायोरिटी डेट। अगर आपको बाकी लोगों के कंपैरिजन में प्रायोरिटी चाहिए कि आपके पेटेंट को प्रायोरिटी मिले उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो आपकी इन्वेंशन है उस पे और कोई क्लेम ना कर सके, इसलिए पहले प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल किया जाता है। और याद रखना पेटेंट दो चीजों में मिलता है, पेटेंट प्रोडक्ट पे ही मिलता है एंड पेटेंट प्रोसेस पे भी मिलता है। पेटेंट कैन बी ग्रांटेड ऑन एनी प्रोडक्ट एंड और प्रोसेस, राइट। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी एक शॉर्ट नोट आ सकता है क्योंकि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन 12 मंथ्स में फाइल करनी होती है। आई एम वेरी श्योर आपने इसे याद कर लिया होगा और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के कंटेंट क्या क्या है इन्हें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत काम आ सकता है ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का शॉर्ट नोट। नाउ पेटेंट ऑफ एडिशन क्या होता है? तो पेटेंट ऑफ एडिशन जो एग्जिस्टिंग पेटेंट है उसमें कोई इंप्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन किया, जो आपने पेटेंट अप्लाई कर रखा था ग्रांट हो गया उसमें कोई इंप्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन किया है उसे पेटेंट ऑफ एडिशन कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। टेन्योर की मैंने बात करी, 20 साल का पेटेंट का टेन्योर होता है तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है। कंपलसरी लाइसेंसिंग के ऊपर एग्जाम्पल नहीं पढ़ा है तो एग्जाम्पल मैं आपको एक बता देता हूँ कि कंपलसरी लाइसेंसिंग में कोई और पर्सन किसी दूसरे इंसान के पेटेंट को यूज कर सकता है और वो तब दिया जाता है व्हेन द पेटेंट इज नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक एट रीजनेबल प्राइस, जब रीजनेबल प्राइस पे वो पेटेंट अवेलेबल ना हो पब्लिक के लिए। तो इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है वो है बेयर कंपनी का केस है जिसमें कि पेटेंट कंट्रोलर ने इंडिया का पहला कंपलसरी लाइसेंस इशू किया था। तो ये कंपलसरी लाइसेंस का केस है, ये केस आपके मॉड्यूल में आपको नहीं मिलेगा, ये केस आपको स्कैनर में या किसी भी और बुक में नहीं मिलेगा। अपनी बुक में मैं ये पर्पसफुली ऐड करता हूँ सो दैट कि आपके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ कि ये एग्जाम्पल्स किस बारे में है। हमने पढ़ तो लिया कंपलसरी लाइसेंस क्या होता है लेकिन उसका एग्जाम्पल क्या है, तो आपको बता दूं कि बेयर कंपनी की अगर बात करें तो इंडिया का पहला कंपलसरी लाइसेंस इस केस में इशू हुआ था। हुआ यह था कि बेयर कंपनी ने नेक्सावार मेडिसिन के लिए पेटेंट लिया था, नेक्सावार मेडिसिन के लिए बेयर कंपनी के पास पेटेंट था लेकिन जो उसकी मेडिसिन थी किडनी कैंसर की जो मेडिसिन थी वो बहुत महंगी थी और आम जनता को पब्लिक को वो मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, इसलिए इस केस में पहली बार कंपलसरी लाइसेंस इशू किया गया था। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि कंपनी सेक्रेटरी एज पेटेंट एजेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इंपॉर्टेंट है, 21 साल एज हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ऑब्टेन डिग्री इन साइंस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास किया हो एंड क्वालिफाइड टू हैव हिज नेम एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट। तो ये क्वालिफिकेशंस हैं, इन क्वालिफिकेशंस को याद रखना, इन क्वालिफिकेशंस के ऊपर से भी क्वेश्चन आ सकता है सीएस एज पेटेंट एजेंट। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पेटेंट एक्ट में से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूँ कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस चैप्टर में से क्वेश्चन आ सकता है नॉन पेटेंटेबल आइटम्स कौन कौन से हैं, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है सीएस एज पेटेंट एजेंट, तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कंपलसरी लाइसेंसिंग एंड फोर्थ क्वेश्चन आ सकता है प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो ये चार क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर से क्वेश्चन बन सकता है, इन चारों टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ लेना और रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे द आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट 1996 की। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन एक्ट 1996 में ना 2015 में कुछ अमेंडमेंट्स आए थे, कुछ मेजर अमेंडमेंट्स आए थे। ऑल्दो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई कि वो अमेंडमेंट्स क्या हैं, 2015 में जो अमेंडमेंट्स आए थे आर्बिट्रेशन में वो क्या अमेंडमेंट्स हैं और उन अमेंडमेंट्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करें, और प्रॉब्लम ये है कि वो अमेंडमेंट भी हमारे मॉड्यूल में इस तरीके से मेंशन नहीं है कि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि 2015 का ये अमेंडमेंट था एंड 1996 में क्या प्रोविजन थे। तो ये अमेंडमेंट बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप YouTube पे जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन एक्ट के अमेंडमेंट के ऊपर कुछ वीडियोस अपलोड की हैं,
उन वीडियो में मैंने बताया है कि 1996 में क्या प्रोविजन था और 2015 में क्या प्रोविजन आ गए। तो 2015 के जो प्रोविजन है उनको मैंने कंपेयर किया है विद द एग्जिस्टिंग प्रोविजन। 2015 के जो अमेंडमेंट्स हैं, हाँ, हमारे एग्जाम के लिए अप्लीकेबल है, तो उन अमेंडमेंट्स को जरूर पढ़ लेना। बात करता हूं, पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है एडीआर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, डिफाइन ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो एडीआर जो कि एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एडीआर इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, एडीआर जो कवर करता है आर्बिट्रेशन को, मीडिएशन को, कंसाइलिएशन को, लोक अदालत को, इन सब चीजों को कवर करता है एडीआर। तो एडीआर के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। एडीआर डिफरेंट है इससे, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जुडिशियल मैकेनिज्म है ना, उससे डिफरेंट है। आई एम श्योर आपने पढ़ लिया होगा एडीआर क्या होता है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सो देखो, एडीआर की दो कैटेगरीज हैं, दो कैटेगरी, एडजुडिकेटरी एंड नॉन एडजुडिकेटरी और कंसेंशुअल। अगर मैं बात करूं एडजुडिकेटरी की तो वो कवर करता है आर्बिट्रेशन को, और मैं बात करूं नॉन एडजुडिकेटरी तो वो कवर करता है कंसाइलिएशन को। तो आपको शायद पता होगा, आई एम वेरी श्योर पढ़ लिया होगा कि आर्बिट्रेशन और कंसाइलिएशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक डिफरेंस नहीं है, कई डिफरेंस है। और डिफरेंस से यहां मेरा मतलब डिस्प्यूट से नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं जो कि एडीआर में ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में हेल्प करती हैं। तो इनके डिफरेंस के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। सो इन एडजुडिकेटरी प्रोसीजर्स लाइक आर्बिट्रेशन एंड बाइंडिंग एक्सपर्ट डिटरमिनेशन इन इट्स रूलिंग गिवन बाय द आर्बिट्रेटर, जो कि पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। माइक्रोमैक्स का केस था आर्बिट्रेशन पैनल में, इन केसेस की बात कभी बाद में करेंगे, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए केसेस दिखा रहा हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी आर्बिट्रेशन का केस था, इसके अलावा टाटा वर्सेस डोकोमो का बहुत फेमस आर्बिट्रेशन का केस था, इस केस के ऊपर मैंने एक दो वीडियोस भी अपलोड की थी, और अब ये केस रिजॉल्व हो चुका है, अब दिल्ली हाई कोर्ट से परमिशन लेने के बाद टाटा एंड डोकोमो दोनों ने अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लिया है। तो ये जो केस था ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में था। नाउ एक जो क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन अगर एडीआर के ऊपर आता है जिसमें एडीआर के बेनिफिट्स आपसे पूछे जाएं, या एडीआर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना हो, तो आप एडीआर के क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि एडीआर किन एरियाज में काम करता है, कमर्शियल, सिविल, लेबर, फैमिली डिस्प्यूट्स, बिजनेस एनवायरमेंट में जॉइंट वेंचर, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, पार्टनरशिप एंड आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो एडीआर के ऊपर जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो कोशिश करना इन एरियाज को जरूर बताओ कि एडीआर कमर्शियल को भी कवर करता है, सिविल को भी कवर करता है, क्रिमिनल को कवर नहीं करता एडीआर। आर्बिट्रेशन हो चाहे कंसाइलेशन हो, वो क्रिमिनल लॉ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। एडीआर आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन स्पेसिफिकली कमर्शियल जो डिस्प्यूट्स है उन्हीं को टारगेट करता है, मेजरली कमर्शियल डिस्प्यूट्स को टारगेट करता है। तो एक क्वेश्चन अब ये आ सकता है इस चैप्टर से, ऐसे कौन कौन से मैटर्स हैं जो कि आर्बिट्रेशन में रेफर नहीं हो सकते, व्हाट मैटर्स कैन नॉट बी रेफर टू आर्बिट्रेशन। तो यहां आप देख लीजिए, फर्स्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, इलीगल ट्रांजेक्शंस, मैट्रिमोनियल मैटर्स, टेस्टामेंट्री मैटर्स, इंसॉल्वेंसी ल्यूनेसी प्रोसीडिंग्स फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स ऑफ ए कंपनी, डिस्प्यूट्स कवर्ड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड टॉट ऑफ हार्मिंग ऑफ बिजनेस रेपुटेशन थ्रू एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। तो ये 10 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लो, अगर नहीं किया है तो अब कर लो, एडीआर के ऊपर क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, एक अच्छा क्वेश्चन है जो बन सकता है, एग्जाम में आने की चांसेस हैं इसके। हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, व्हाट मैटर्स कैन नॉट बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मैंने पहले बताया नहीं हो सकता, उसके अलावा मैंने बता दिया इलीगल ट्रांजेक्शंस रेफर नहीं हो सकते जो आप कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मली पढ़ते हो, फिर मैट्रिमोनियल मैटर्स, सूट ऑफ डिवोर्स नहीं जाएगा, टेस्टामेंट्री मैटर्स का मतलब होता है विल के मैटर्स, वसीयत के मैटर्स, इनसॉल्वेंसी के मैटर्स नहीं जाएंगे। और एक बात याद रखना, वो मैटर्स जो किसी स्पेशल एक्ट में कवर होते हैं वो कभी भी आर्बिट्रेशन में कवर नहीं होंगे, जैसे कि वाइंडिंग अप। तो वाइंडिंग अप को लेकर हमारे पास में दो एक्ट्स हैं,
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड और दूसरा कंपनीज एक्ट। तो ये जो वाइंडिंग अप के मैटर्स है ये आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते। इसके अलावा प्रोसीडिंग्स फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, हाँ कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, देर आर सम केसेस जिसमें वो मैटर्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के आर्बिट्रेशन में रेफर हो सकते हैं। देन वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स जो कि कंपनीज एक्ट में या इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में कवर होता है। इसके अलावा मैं बता दिया आपको डिस्प्यूट्स कवर्ड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड टॉट ऑफ हार्मिंग ऑफ बिजनेस रेपुटेशन, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो वर्ड है आर्बिट्रेटर ये आर्बिट्रेशन एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं है, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि जब दो पार्टीज में डिस्प्यूट होता है तो दोनों पार्टीज अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट करती है, और जिस थर्ड पर्सन को वो दोनों पार्टीज अपॉइंट करती है उस थर्ड पर्सन को आर्बिट्रेटर कहते हैं। दो पार्टीज में डिस्प्यूट है और वो अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए किसी थर्ड पर्सन को एज ए जज रिक्रूट करती है, जज अपॉइंट करती है, नॉट रिक्रूट या जज चूज करती है, उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। तो दोनों पार्टीज की कंसेंट से भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो सकता है। अगर दोनों पार्टीज आर्बिट्रेटर को अपॉइंट ना कर पाए तो उस केस में कोर्ट आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करता है। तो थर्ड पर्सन होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो दोनों पार्टीज के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। कोर्ट से किस तरीके से डिफरेंट है ये पहले ही बता चुका हूं अपनी क्लासेस में, फिर भी एक बार बता रहा हूं कि आर्बिट्रेशन में प्रोसेस ज्यादा फास्ट एंड एक्सपीडिटियस होता है। कोर्ट में जहां 20-20 साल लगते हैं वही आर्बिट्रेशन में विद इन फ्यू मंथ्स फैसला आ जाता है। एंड आर्बिट्रेशन में जो फैसला आता है उसे अवार्ड कहते हैं, अवार्ड। हम यहां अवार्ड की बात करते हैं आर्बिट्रेशन में, वी डोंट टॉक अबाउट डिक्री ऑर्डर जजमेंट, राइट। तो आर्बिट्रेशन के फैसले को हम क्या कहते हैं, अवार्ड, उसे कहते हैं हम आर्बिट्रल अवार्ड। एंड आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स एन इंटरिम अवार्ड, इंटरिम अवार्ड आई एम वेरी श्योर ये आपने पढ़ लिया होगा। आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल की मैं बात करूं तो एक सोल आर्बिट्रेटर भी हो सकता है और पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर भी हो सकता है, आई एम वेरी श्योर याद कर लिया होगा। और यहां ये डिफरेंस था कि कंसाइलिएशन में कंसाइलिएटर 1, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, इवन नंबर ऑड नंबर हो सकता है, लेकिन आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल में जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स की तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर हमेशा ऑड नंबर होता है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर हमेशा ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, इवन नंबर नहीं होगा। हाँ कंसाइलिएटर में नंबर कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, राइट। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, हाँ पहले आ चुका है इसलिए मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होता है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की मैं बात करूं तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का ICA विच बेसिकली मीन्स जिन दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है उनमें से एक पार्टी अगर इंडिया की ना हो, उनमें से एक पार्टी अगर इंडिया की ना हो, इंडिया के बाहर की पार्टी हो, तो उसे हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो अगर बात की जाए टाटा और डोकोमो का डिस्प्यूट में बात करूं, टाटा इज ए कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, लेकिन डोकोमो जापान बेस्ड कंपनी थी, तो डोकोमो और टाटा के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है उसे हम इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। रेनबेक्सी एंड डाइची का डिस्प्यूट जिसमें कि रेनबेक्सी जो है रेनबेक्सी इंडिया बेस्ड है, डाइची जापान बेस्ड है, यह भी इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में कवर होता है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बस हमें देखना यह है कि दोनों में से अगर एक पार्टी कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है हु इज नेशनल और रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री अदर देन इंडिया, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जो इनकॉर्पोरेट हुई है इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया, तो उसे हम इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन में रखते हैं। तो ये डेफिनेशन को याद कर लेना अच्छे से कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होता है। इसके अलावा आपको बता देता हूं मैं कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है, कंसाइलिएशन के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो कंसाइलिएशन को मैं आर्बिट्रेशन के साथ ही बता देता हूं कि आर्बिट्रेशन पे क्या आ सकता है, कंसाइलिएशन पे क्या आ सकता है।
एक मैंने आपको बताया कि एडीआर के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है और इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि आर्बिट्रेशन में हम बात करते हैं कि आर्बिट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, इट्स ए फॉर्मल प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट। आर्बिट्रेशन इज ए फॉर्मल प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट, और कंसाइलिएशन क्या है, इनफॉर्मल प्रोसेस है। कंसाइलिएटर बेसिकली जिन पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है उनके बीच में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए अपने एक्सपर्ट सॉल्यूशंस देता है। कंसाइलिएटर अपने एक्सपर्ट सॉल्यूशंस देता है, आर्बिट्रेटर अपना वर्डिक्ट देता है। कंसाइलिएटर ये कोशिश करता है कि जिन दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है उनके डिस्प्यूट को कम करने के लिए, उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए वो अपनी एक्सपर्ट एडवाइस लेके आता है जिससे कि दोनों पार्टीज का बेनिफिट हो। कंसाइलिएटर की अगर मैं बात करूं तो कंसाइलिएटर बनने के लिए कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, जबकि आर्बिट्रेशन में पार्टीज किसी फॉर्मल क्वालिफिकेशन के ऊपर, किसी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के ऊपर पहले से ही एग्री हो सकती हैं और उस आर्बिट्रेटर के पास वो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मैं बात करूं और कंसाइलिएशन की, तो जब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था, जब दोनों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, कुछ इंडस्ट्रीज अनिल अंबानी के पास चली गई और कुछ मुकेश अंबानी के पास में रह गई थी, तब उस केस में कंसाइलेटर का रोल प्ले किया था उनकी मदर ने, कोकिला बेन, कंसाइलेटर का रोल उन्होंने प्ले किया था। इसके अलावा कोकिला बेन के अलावा अजीम प्रेम जी के भी कामत, ये कुछ लोग थे जिन्होंने एज ए कंसाइलेटर रोल प्ले किया जिससे कि दोनों भाइयों ने प्रॉपर्टी को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। एक एग्जांपल है कंसाइलेशन का। सो आर्बिट्रेशन इट्स ए फॉर्मल प्रोसेस, इट्स फॉर्मल प्रोसेस और वो इनफॉर्मल प्रोसेस है। आर्बिट्रेटर कैन बी अपॉइंटेड इवन बिफोर द डिस्प्यूट अराइजेस, लेकिन कंसाइलेटर का अपॉइंटमेंट कब होता है, ओनली आफ्टर डिस्प्यूट हैज अराइजन। आर्बिट्रेशन में डिसीजन को बोलते हैं अवार्ड, और कंसाइलेशन में क्या बोलते हैं, कंसाइलेशन में हम उसे कहते हैं सेटलमेंट। आर्बिट्रेशन में अवार्ड को साइन कौन करता है, मेंबर ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, और कंसाइलिएशन में जिन पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है वही उसे साइन करते हैं। फिर मैंने आपको बताया देयर कैन नॉट बी इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, लेकिन कंसाइलेटर इवन नंबर हो सकते हैं, ऑड भी चलेगा इवन भी चलेगा। आर्बिट्रेशन क्वासी जुडिशियल नेचर होता है, बट कंसाइलिएशन जो है वो नॉन जुडिशियल इन नेचर होता है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आर्बिट्रेशन में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता चुका हूं। अमेंडमेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, यूट्यूब पे मेरी वीडियोस हैं, उन वीडियोस को देखकर आप अमेंडमेंट समझ सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया एडीआर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में पहले, आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन के डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर इसके ऊपर छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं बन सकता, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें वो आपसे मीनिंग पूछ सकता है कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का क्या मीनिंग होता है, तो इसके ऊपर 2 से 3 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमने टॉपिक्स कर लिए आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट के। अब आगे हम टॉपिक करते हैं द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, IDRA एक्ट करते हैं। IDRA एक्ट रियल में बहुत सिंपल एक्ट है, बहुत छोटा एक्ट है और बहुत सिंपल एक्ट है, नंबर ऑफ सेक्शंस बहुत कम है, अराउंड 28 या 30 सेक्शंस है इस चैप्टर में, 30 के अराउंड सेक्शंस है इस चैप्टर में, और चैप्टर बहुत ईजी है, लेकिन प्रॉब्लम इज कि स्टूडेंट को, जितने भी स्टूडेंट्स चैप्टर को पढ़ते हैं उनके पास एग्जाम्पल्स की बहुत कमी होती है, रेफरेंस की बहुत कमी होती है, इस वजह से इस चैप्टर को समझ नहीं पाते। तो मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को समझा दूं। ऑब्जेक्टिव क्या था IDRA का, ऑब्जेक्टिव 1951 में ये एक्ट आया था, जरा सोचिए 1951 में जब ये एक्ट आया था तब इंडिया की इंडस्ट्रियल पोजिशन क्या थी, राइट, और एक 1991 में चेंजेस आए। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस एक्ट में जो पर्पस था, जो विजन था, वो 1991 से पहले वाला इंडिया था। IDRA जिन चीजों की बात करता है वो 91 से पहले वाला इंडिया था, क्योंकि इस एक्ट में ना लाइसेंसिंग पॉलिसी बहुत ज्यादा थी, इनिशियली हर इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड। आपको शायद पता होगा कि 91 से पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता था,
तो जो अप्रूवल लेना पड़ता था ना, उस अप्रूवल का एक रीजन ये एक्ट था, द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। पर्पस क्या था ये देखिए, टू डेवलप, टू रेगुलेट एंड टू कंट्रोल, DRC। बड़ा सिंपल है, टू डेवलप, टू रेगुलेट एंड टू कंट्रोल। किसको कंट्रोल करना है, किसको डेवलप करना है, किसको रेगुलेट करना है? शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज को। शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं सर? अब बहुत लोग पूछते हैं सर ये शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। तो देखिए शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, शेड्यूल्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज हैं जो इस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में गिवन है। वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो इस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में गिवन है, उसे हम शेड्यूल्ड इंडस्ट्री कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो एक्ट है ये एक्ट सर्विस सेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग कंपनी के ऊपर, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट? मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं, उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। गेटिंग माई पॉइंट? और याद रखना, इस एक्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए इंडिया में एक डिपार्टमेंट है, और उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP, DIPP। तो आगे मैं बात करता हूं, देखिए शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 द फर्स्ट शेड्यूल टू द एक्ट इंक्लूड्स 38 इंडस्ट्रीज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द आर्टिकल्स मेंशन अंडर ईच ऑफ द हेडिंग्स और सब हेडिंग्स गिवन इन दिस शेड्यूल। एक एग्जाम्पल आपको बताऊं मैं, अगर आपको इंडिया में स्टील इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है, आपको एक फैक्ट्री लगानी है जिसमें स्टील का प्रोडक्शन होना है या स्टील रिलेटिंग प्रोडक्ट है, मान लो आप ऑटोमोबाइल कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, या फिर मैं ये बोलूं कि आप एयर कंडीशनर कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, तो इन सारे केसेस में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो इंडस्ट्री है ना वो शेड्यूल 1 के अंदर कवर होती है। देखिए फर्स्ट शेड्यूल का कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील, फेरोलॉयज, आयरन एंड स्टील, स्टील पाइप्स, स्पेशल स्टील्स, अदर प्रोडक्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि अगर आप एयर कंडीशनर की फैक्ट्री लगाओगे तो भी आपको किसका अप्रूव देना पड़ेगा, IDRA एक्ट के अकॉर्डिंग आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये एक्ट इसी पर्पस के लिए बनाया है, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री जो है ना वो शेड्यूल 1 में कवर हो रही है, आपकी इंडस्ट्री जो है वो शेड्यूल 1 में कवर हो रही है, इसलिए आपको गवर्नमेंट से प्रायर लाइसेंस लेना पड़ेगा जो इस एक्ट ने मैंडेटरी कर रखा है। नाउ अब इसको समझो, इस एक्ट को पढ़ने से पहले ये बहुत जरूरी है कि पहले हम समझे कि DIPP क्या है। DIPP मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आई एम सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, और उसके अंदर आता है SIA। SIA आई एम वेरी श्योर आपने टर्म पढ़ ली होगी। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट मेजर्स फॉर ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट ही एडमिनिस्टर करता है IDRA एक्ट को। तो पहले हमने बात करी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके अंडर आता है DIPP, और उसके अंदर आता है SIA। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके अंडर DIPP, और उसके अंडर सेक्रेटेरिएट फॉर इंडस्ट्रियल असिस्टेंस। सो SIA इज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। देखिए इसको ध्यान से देखना, इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू प्रोवाइड ए सिंगल विंडो फॉर एंटरप्रेन्योर असिस्टेंस, इन्वेस्टर फैसिलिटेशन, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग ऑल एप्लीकेशन विच रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल, कन्वेनिंग गवर्नमेंट डिसीजंस ऑन एप्लीकेशन फाइल्ड, असिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स इन सेटिंग अप प्रोजेक्ट्स। तो ये है SIA। जब भी IDRA एक्ट कोई स्टूडेंट पढ़ता है वो बड़ा कंफ्यूजन में रहता है, उसे क्लियरिटी नहीं होती, मैं ये SIA क्या होता है, ये DIPP क्या होता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग इसी से की है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, ऑल दो आप ये चैप्टर पहले पढ़ चुके हो तो मुझे इस बात की पूरी श्योरिटी है कि अब जब आप इन डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आता है, उसके नीचे DIPP आता है, और उसके नीचे SIA। इनके फंक्शंस क्या हैं इसको मैं बता चुका हूं। इसके अलावा
और क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो देखो और इसमें से डेफिनेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है इस एक्ट में। जब आईएलजीएल में फैक्ट्री की डेफिनेशन पढ़ते हो तो यहां आप वहां आप पढ़ते हो 10 एम्प्लॉयज और 20 एम्प्लॉयज, 10 विद द एड ऑफ पावर, 20 विदाउट द एड ऑफ पावर, बट इस एक्ट में ना 50 और मोर है, विद द एड ऑफ 50 और मोर एंड विदाउट द एड ऑफ 100 और मोर एम्प्लॉयज, 100 और मोर एम्प्लॉयज, विद द एड ऑफ पावर 50 और मोर एंड विदाउट द एड ऑफ पावर 100 और मोर, ये इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बात करता हूं, एक और डेफिनेशन जो मुझे लगता है कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, और वो डेफिनेशन है सब्सटेंशियल एक्सपेंशन की। सब्सटेंशियल एक्सपेंशन, ए वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ईसीएल में ना एक पैटर्न रहा है, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं कि जिनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एक्सेप्ट डेफिनेशन के। हाँ, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर में से बाकी कोई क्वेश्चन नहीं होता, सिर्फ एक डेफिनेशन लेते हैं और डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को याद कर लें। तो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन क्या है? एक्सपेंशन बियॉन्ड 25% ऑफ लाइसेंस कैपेसिटी इज कंसिडर्ड एज सब्सटेंशियल एक्सपेंशन, राइट? एक्सपेंशन बियॉन्ड 25% ऑफ लाइसेंस कैपेसिटी इज कंसिडर्ड एज सब्सटेंशियल एक्सपेंशन। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं सर? इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि जब कोई सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, जब किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडस्ट्रियल लाइसेंस मिलता है ना, तो उस इंडस्ट्रियल लाइसेंस में वो कितना प्रोडक्शन कर सकता है उसकी कैपेसिटी भी गिवन होती है। आप बोलोगे सर ये बात तो गलत है, ये तो मर्जी होगी ना इंडस्ट्रियलिस्ट की कि वो कितना प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट पहले इस चीज को रेगुलेट करती थी। अब तो गवर्नमेंट ने अपनी इस रेगुलेशन को थोड़ा सा लिमिट करना शुरू कर दिया है, लेकिन 1991 से पहले यही पोजीशन थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को भी रेगुलेट करती थी कि कौन सी इंडस्ट्री कितना प्रोडक्शन कर रही है और कितना प्रोडक्शन मैक्सिमम कर सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं और मुझे इस बात की परमिशन गिवन है कि मैं 1000 टन का प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्ट में बनाता हूं उसका 1000 टन, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टील का प्रोडक्शन करता हूं, और गवर्नमेंट ने कहा कि आप एक साल में मैक्सिमम 1000 टन ऑफ स्टील का प्रोडक्शन कर सकते हो, तो अगर 1000 टन से 25% तक अलाउड है, 1000 टन प्लस 25% तक अलाउड है, अगर उससे एक्सपेंड करेगा तो इन दैट केस क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा, नया लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक लाइसेंस पहले था, एक और लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि तो अब सब्सटेंशियल एक्सपेंशन हो चुका है। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है। समझाने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक्सपेंशन अगर 25% है तो वो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन नहीं बनेगा अगर कोई नए रिसोर्सेस की डिमांड आपने नहीं करी है, एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी नहीं लगाया है, या फिर कोई फॉरेक्स में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। नो एडिशनल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड इन फॉरेक्स, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, और तीनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, सेटिस्फाई हो गई, एंड जो एक्सपेंशन है आपका वो 25% की लिमिट में भी है, तो भी उसे हम सब्सटेंशियल एक्सपेंशन कंसीडर कर सकते हैं। गेटिंग आई पॉइंट? तो जनरल रूल ये है, 25% एडिशनल आप प्रोडक्शन कर सकते हो, आपको नया लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं होगा। एक्सेप्शन कहता है 25% तक भी लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपने नए रिसोर्सेज लिए, रॉ मटेरियल और लिया है, प्लांट एंड मशीनरी और लगाया है, या फिर आपने फॉरेक्स में और पैसा लगाया है, इन दैट केस हम ये मान लेंगे कि सब्सटेंशियल एक्सपेंशन हुआ है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। नाउ मेन प्रोविजंस की बात करूं तो एक और क्वेश्चन जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल इंडस्ट्रीज। शेड्यूल इंडस्ट्रीज क्या है जो शेड्यूल में कवर होती है? इसमें ना सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कॉम्पोजिशन के ऊपर क्वेश्चन आए, ये के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो फॉर द पर्पस ऑफ एडवाइजिंग ऑन मैटर्स कंसर्निंग द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ शेड्यूल इंडस्ट्रीज, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफाइड ऑर्डर स्टैब्लिश ए काउंसिल टू बी कॉल्ड द सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल। तो गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल बनाएगी।
तो इस सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी। चेयरमैन होगा एंड 30 अदर्स मेंबर्स होंगे। तो ये आपने जरूर पढ़ लिया होगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो डेवलपमेंट काउंसिल सेक्शन 5 में आता है एडवाइजरी, और सेक्शन 6 में आता है डेवलपमेंट काउंसिल। इस डेवलपमेंट काउंसिल के फंक्शंस को एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने की परम संभावना मुझे लगती है इस चैप्टर में से। क्या क्या फंक्शंस है? रिकमेंडिंग टारगेट्स फॉर प्रोडक्शन, कोऑर्डिनेटिंग प्रोडक्शन प्रोग्राम एंड रिव्यूइंग प्रोग्रेस। शेड्यूल इंडस्ट्रीज को टारगेट देना प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन प्रोग्राम्स को रिव्यू करना, सजेस्टिंग नॉर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, किस तरीके से वो वेस्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं, मिनिमम आउटपुट से, मिनिमम इनपुट से कैसे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, ऑप्टेनिंग मैक्सिमम प्रोडक्शन, इंप्रूविंग क्वालिटी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट, रिकमेंडिंग मेजर्स फॉर सिक्योरिंग द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, प्रमोटिंग द ट्रेनिंग ऑफ पर्सन, प्रमोटिंग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड अरेंजमेंट्स फॉर ऑप्टेनिंग मटेरियल्स फॉर द इंडस्ट्री। ये डेवलपमेंट काउंसिल के फंक्शंस हैं। ये 6 फंक्शंस हैं। एक बार अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो। ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि डेवलपमेंट काउंसिल क्या क्या फंक्शन है। अच्छे से पढ़ के जाना, अपने हिसाब से कुछ भी लिख के मत आना। ट्रेनिंग को प्रमोट करना, स्टैंडर्डाइजेशन को प्रमोट करना, ऑप्टेनिंग मटेरियल्स फॉर द इंडस्ट्री, टारगेट्स देना, कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना, नॉर्म्स ऑफ एफिशिएंसी सजेस्ट करना, रिकमेंडिंग मेजर्स फॉर सिक्योरिंग द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इन पॉइंट्स को 2-3 बार रिवाइज जरूर कर लेना। इसके ऊपर से एक क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर मेरी हाँ प्रडिक्शन सही ना हो तो प्लीज मुझे ब्लेम मत करना कि सर आपने बताया था ये क्वेश्चन नहीं आया। देखो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जो मुझे लगता है एग्जाम में आ सकती है। आगे बात करते हैं। ओके, रेगुलेशंस ऑफ शेड्यूल इंडस्ट्रीज। शेड्यूल इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोविजन क्रिएट किए हैं तो आपको मैं बता देता हूं। इस फर्स्ट जो पैराग्राफ है, इस फर्स्ट पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लो, आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स को ये क्लियर कर देगा। क्योंकि कुछ बातें मैं ऐसी बता रहा हूं जो आपके मॉड्यूल में या स्कैनर में और बाकी बुक्स में आपको नहीं मिलेंगी। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं ऐसे पॉइंट्स निकाल के लाऊं जो कि रियल लाइफ में एप्लीकेबल हैं लेकिन जो मॉड्यूल में गिवन नहीं है, जो मॉड्यूल में शायद होने चाहिए। सो इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज आर रेगुलेटेड अंडर द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट विथ प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन एंड डी रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हैव बीन सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड। मैं इसी की बात कर रहा था। मैंने इस चैप्टर के शुरुआत में इसी पॉइंट की बात की थी और बेसिकली मैं आपको यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि 1991 के बाद गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट को काफी रिड्यूस कर दिया है, काफी रिड्यूस कर दिया है। एट प्रेजेंट इंडस्ट्रियल लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द फॉलोइंग। सिर्फ इन 3 के लिए रिक्वायर्ड है, जो 3 नीचे पॉइंट्स गिवन है ना, सिर्फ इसके लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस रिक्वायर्ड है। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रीज रिटेन अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वन इज मैन्युफैक्चर ऑफ आइटम्स रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर्स बाय नॉन एसएसआई यूनिट्स, नॉन एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और आगे लिखा हुआ है नॉन एसएसआई यूनिट्स। ऐसे आइटम्स जो रिजर्व है एसएसआई के लिए लेकिन उनका मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहे हैं जो कि नॉन एसएसआई यूनिट्स हैं। एंड व्हेन द प्रपोज लोकेशन अट्रैक्ट्स लोकेशन रेस्ट्रिक्शन। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इंडस्ट्रियल लाइसेंस के ऊपर भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो आपको याद रखना है कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिर्फ 3 चीजों के लिए रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हमें देखना है कि हम जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं वो शेड्यूल 1 में कवर होती है या नहीं होती। अगर वो शेड्यूल 1 में कवर होती है तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हमें चाहिएगा इंडस्ट्रियल लाइसेंस या हमें चाहिएगा IEM, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम, IEM रिक्वायर्ड होगा। इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिर्फ 3 केसेस में रिक्वायर्ड होता है। फर्स्ट केस, अगर वो इंडस्ट्री रिटेन्ड है अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग। सेकेंड वन इज मैन्युफैक्चर ऑफ आइटम रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर। एंड थर्ड वन इज व्हेन द प्रपोज लोकेशन अट्रैक्ट्स लोकेशन रेस्ट्रिक्शन। तो ये इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेने का एक प्रोसेस है। इंडस्ट्रियल लाइसेंस पहले नहीं मिलता,
पहले आईईएल मिलता है, पहले इंडस्ट्रियल लाइसेंस पहले नहीं मिलता, पहले एलओआई मिलता है। आई एम सॉरी, मैंने पहले आईईएल बोल दिया था, लेकिन पहले एलओआई मिलता है। जब इंडस्ट्रियल लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले लेटर ऑफ इंटेंट मिलता है, लेटर ऑफ इंटेंट। एप्लीकेशन किसके पास फाइल होती है? एप्लीकेशन एसआईए के पास फाइल होती है, तो इसको भी याद रखना आप। पहले लेटर ऑफ इंटेंट लेते हैं और उसके बाद वो लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो एलओआई में कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन ऑफ लेटर ऑफ इंटेंट इनटू इंडस्ट्रियल लाइसेंस। और वो इंडस्ट्रीज जो कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस से एग्जेम्प्ट हैं, वो इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस से एग्जेम्प्ट हैं पर वो शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज में आती हैं, उनके लिए है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम आईईएम। ऑल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ आईईएल नीड टू फाइल इंफॉर्मेशन इन द आईईएम। और ये किसको सबमिट करते हैं? ये भी एसआईए को सबमिट होता है। एसआईए के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आईईएल चाहिए, इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहिए, तो भी एप्लीकेशन सबमिट होती है एसआईए को, और अगर आईईएम चाहिए तो भी एप्लीकेशन सबमिट होगी किसको? तो भी एप्लीकेशन सबमिट होगी एसआईए को, राइट? तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टिगेशन एंड कंट्रोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी मुझे एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इन्वेस्टिगेशन एंड कंट्रोल की मैं अगर बात करूं तो गवर्नमेंट की कुछ पावर्स हैं, तो गवर्नमेंट की कुछ जो पावर्स हैं उसमें सेक्शन 15 है, सेक्शन 16 है, एंड सेक्शन 18 तो भूलना मत, सेक्शन 18 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल का जो प्रोविजन है ना वो सेक्शन 18 में है कि गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग पे अपना कंट्रोल रख सकती है। यस, ये गवर्नमेंट के पास पावर है सेक्शन 18 में। लेकिन गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कब करती है किसी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की? गवर्नमेंट राइट इन्वेस्टिगेशन कब करेगी? इसके ग्राउंड्स हैं। पहला, सब्सटेंशियल फॉलो, किसमें? प्रोडक्शन में, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। ओके, क्वालिटी खराब हो रही है, उसका भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। प्राइस बढ़ा दिया है विदाउट एनी रीजन, और सूटेबल एक्शन रिक्वायर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ कंजर्विंग एनी रिसोर्सेज। तो ये सेक्शन 15 के प्रोविजन है, इन चारों पॉइंट्स को याद रखना। इसके अलावा सेक्शन 18 भी इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू एज्यूम कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफाई ऑर्डर ऑथराइज एनी पर्सन टू टेक ओवर मैनेजमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकती है, और वो कब तक वैलिड रहेगा? वैलिड रहेगा 5 साल तक, 2 साल का एक्सटेंशन उसमें मिल सकता है। उसके बाद जो उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उन्हें उनकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। ऑथराइज पर्सन जिसे गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी वो प्रिपेयर करेगा एक प्लान को और सबमिट करेगा गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक लास्ट पावर जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो ये पावर है कि पावर टू टेक ओवर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विदाउट इन्वेस्टिगेशन। याद रखना, गवर्नमेंट की दो पावर्स हैं, एक सेक्शन 18 ए में है और दूसरी सेक्शन 18 ए में है। पहले वाले में गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया था, इसमें विदाउट इन्वेस्टिगेशन भी गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकती है। उसके ग्राउंड्स कौन कौन से हैं? ग्राउंड नंबर फर्स्ट, इफ इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट सच सिचुएशन। दूसरा, इट हैज बीन क्लोज्ड फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ्स। सच क्लोजर इज प्री जुडिशियल, यानी कि एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है टू द कंसर्न शेड्यूल इंडस्ट्री, इट कैन बी रीस्टार्टेड एंड सच रीस्टार्टिंग इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं, बहुत सिंपल से ग्राउंड्स हैं, इन ग्राउंड्स को याद कर लेना तो IDRA के ऊपर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, सेक्शन 15, सेक्शन 18। दूसरा, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम, इंडस्ट्रियल लाइसेंस। डेफिनेशन मैं आपको बता दिया, सब्सटेंशियल एक्सपेंशन की डेफिनेशन आ सकती है, और इसके साथ साथ में फैक्ट्री की डेफिनेशन भी हमने देखी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वो है एडवाइजरी काउंसिल एंड डेवलपमेंट काउंसिल। अगर एक आसान सा क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से तो वो एडवाइजरी काउंसिल या डेवलपमेंट काउंसिल के ऊपर आ सकता है।
तो ये हमने डिस्कस कर लिए, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए। मैंने आज बात की आपसे आर्बिट्रेशन की, साथ में डिस्कस किया मैंने IDRA, और साथ में डिस्कस किया पेटेंट एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके साथ हमने लगभग 9 से 10 चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया है। अगर मैं पेटेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ IPR दोनों को मिला दूं तो हमने लगभग 10 चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया है। ये 10 चैप्टर ए कैटेगरी के चैप्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं बात करूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यूट्यूब पे मेरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वीडियोस देख सकते हो, उससे मैंने पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर कर रखा है, तो वहां से आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कवर कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आर्बिट्रेशन को और पढ़ना है तो आर्बिट्रेशन की मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की थी, उससे आप आर्बिट्रेशन कवर कर सकते हो। और ये हमारी लास्ट ECL फास्ट ट्रैक रिविजन की, और ये हमारी लास्ट वीडियो थी ECL फास्ट ट्रैक रिविजन की। अब अगली जो सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं, उस सीरीज में हम लोग बात करेंगे कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ की। तो उस पूरी सीरीज में मैं कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का रिविजन करवाऊंगा। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर देना, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और कोशिश कीजिए इन वीडियोस का मैक्सिमम बेनिफिट लेने की। थैंक यू सो मच।